सब कैसे हैं? होप इस समय आप लोग अच्छे ही होंगे। और अभी है विंटर सीज़न, ठंडी का दिन। इस सीज़न में खाने पीने में और तबीयत भी लोगों की बहुत अच्छी रहती है। वैसे आज भी हमारे यहाँ कुछ बन रहा है। आज है मेरे पापा का हैप्पी बर्थडे, तो बर्थडे हमने सोचा था कि बाहर कहीं जा कर के हम सेलिब्रेट करके आएंगे, बट आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को मम्मी का घर में फास्ट होता है, तो हम लोगों ने सोचा कि घर में ही क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। वेज आज होगा सारा कुछ, और फास्ट है इसलिए शायद बिना प्याज लहसुन के ही खाना बनने वाला है। तो हम लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आज रेसिपी बन रही है, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और बिल्कुल भूल ना जाइए, अगर आप लोगों को मेरी चैनल्स और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए देखिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का लिंक आ रहा होगा, बटन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। साथ ही बेल बटन को दबा दीजिए जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, या आप और क्या रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, या मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, इस तरह से आप कुछ बता सकते हैं। लाइक करिए मेरे वीडियोज़ को, शेयर करिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और इसी तरह बने रहिए। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आज हम बना रहे हैं यह है चने। मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ ही मम्मी भी कट कर रही है आलू। चने जो काले चने आते हैं उसी तरह का यह चना है, यह है गुलाबी चना इसे कहते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है ये। और साथ ही इधर देखिए पांच तरह के भाजा बन रहे हैं, बंगाली में हम लोग कहते हैं, भुंजिया भी कह सकते हैं हिंदी में। और चनों को हमको उबालना है, उसके लिए साथ ही उधर मसाला भी मैंने तैयार किया हुआ है। देखिए वेज आज होने वाला है सारा, प्याज लहसुन भी नहीं है बिना प्याज लहसुन का। तो देखिए अदरक के टुकड़े मैंने कुछ काट करके रखे हैं छील करके, और ये पांच टमाटर मैंने लिए हैं छोटे साइज के हैं, और पांच छह इसमें हरी मिर्चें हैं। अब हम चनों को हमने रात भर भिगोकर रखा था पानी में, धोकर लिया अच्छे से, और कुकर में देखिए डाल ले रहे हैं। अब हमको इसको कुकर में आलू को भी देखिए छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया है साथ में ही, और थोड़ा पानी इसमें हम ऐड करेंगे। वाटर हाफ कप के करीब है, देखिए वाटर मैंने इसमें डाला है। और इसी टाइम पे इस पर हम सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं कि जब ये बॉयल हो। हाफ कप नहीं, मैंने गलत बोल दिया, मम्मी ने फिर से पानी डलवा दिया था। इसमें तकरीबन वन एंड हाफ आप कप या बोल सकते हैं बड़ा वाला या फिर ग्लास। और साथ ही इसमें हमने सॉल्ट एंड टर्मरिक ऐड किया है, हल्दी और नमक, और थोड़ा सा तेल है जो ऑयल ऊपर हम इसमें डाल देते हैं तो स्प्रेड नहीं होता। इधर चलिए हम मसाले तब तक पीस लेते हैं। उसके लिए हम ले रहे हैं अदरक लहसुन तो होएगा नहीं, अदरक और हरी मिर्चें। और इधर यह है गरम मसाला, बिल्कुल कम कम मात्रा में ही लिया है, देखिए मैंने आपको दिखा दिया है। तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची काली वाली। इधर देखिए ये बन रहा है खीर पापा के लिए, क्योंकि बर्थडे है तो। और इधर हम बैठा दे रहे हैं फटाफट से भुंजिया, पाँच तरह की भुंजिया हम करेंगे। आज वेज खाना है क्योंकि मम्मी का फास्ट रहता है फ्राइडे को, मैंने तो आपको बताया ही है पहले। ये भुंजिया हो जाए तब तक मैं उधर मसालों को पीस लेती हूँ, जिसके लिए मिक्सी के जार में मैंने ले लिया है, देखिए आपको दिखाया ही है अभी क्या क्या लिया है। इधर भिंडी की भुंजिया भी है, इधर मैंने आपको दिखाया नहीं था इसलिए एक झलक दिखा दिया। और ये बन रहा है खीर। खीर की रेसिपी अगर आपको देखनी हो तो मेरी वीडियोज़ पे ऊपर आप लिंक चेक कर सकते हैं, ज़रूर आपको मिल जाएगा। और ये बना रही है मेरी बेटी अपने नाना जी के लिए कार्ड, बर्थडे कार्ड, रात को वो नाना जी को गिफ्ट करने वाली है। इधर भुंजिया भी फटाफट से हो गया है। इसके बाद हम बना रहे हैं सब्जी, जिसके लिए देखिए तेल में जो गरम मसाले लिए थे हमने, और जीरा इसमें डाल दिया है, क्यूमिन जो है रॉ देखिए गोटा वो थोड़ा हमने डाल दिया है एक चम्मच, और जो गरम मसाले लिए थे हरी इलायची, बड़ी इलायची काली वाली, दो लौंग और गोल मिर्च जिसे कहते हैं काली मिर्च उसको डाल दिया है। और साथ ही जो मसाले हमने पीसे हैं मिक्सी में उसको भी ऐड कर दिया है तेल में। तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम या ज़्यादा, हम लोग ले रहे हैं 2 टेबल स्पून मैंने लिया है बड़े वाले। और साथ ही देखिए सूखे मसाले इस टाइम पे हम ऐड कर दे रहे हैं। इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर, 2 चम्मच धनिया का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और 2 चम्मच हल्दी का पाउडर, टर्मरिक पाउडर। और इस टाइम पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं गरम मसाला भी जो आपके पास हो। हमारे पास नॉर्मल जो गरम मसाला वो रखा हुआ था, और जो बाकी जो होगा मैं दिखा दूँगी आपको। 2 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर, वो आप जितना तीखा लेते हैं उस तरह से ले सकते हैं। अगर आप लोग कम तीखा खाते हैं तो
मिर्च को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने मसालों में हरी मिर्च को भी पीसा था मिक्सी में। अब मसालों को हमको पका लेना है आँच को मीडियम में रख करके। देखिए मसाले पक रहे हैं, इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी, ये पैकेट दिखाया मैंने, इसे ज़रा सा हाथ में ले लीजिए आप और हाथ में मसलते हुए क्रश करके मसालों में ऐड कर दीजिए। अगर वेज आप बना रहे हैं बिना प्याज लहसुन की सब्जी, इस तरह से आप डालिए, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। ये मेरे पास रखा है छोले मसाला, छोले मसाला ये एवरेस्ट का है, इसमें लहसुन प्याज नहीं है, इसलिए हम इसे ऐड कर रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं इंग्रेडिएंट्स, ये भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन एक बड़ा चम्मच, जो चाय का चम्मच आता है उसी का। और अब ऐड कर दे रहे हैं सॉल्ट, मसाला बिल्कुल देखिए भून चुका है। अब इसमें हम सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करिए, हमने इसमें ऐड किया है 2 टीस्पून, 2 चम्मच के करीब। और हम मसालों को देखिए धीरे धीरे इस तरह से भून लिया है। अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे ज़रा सा घी, यह है घर में बनाया हुआ घी है, जम चुका है घी, आप इसमें डालिए, बहुत ज़बरदस्त स्वाद आता है, क्योंकि वेज ऐसे भी खाना बन रहा है। इसमें हमने ऐड किया है 1 टीस्पून, देखिए छोटा वाला चम्मच है, 1 चम्मच इसमें घी ऐड किया है। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, हम घर में बना हुआ घी यूज़ कर रहे हैं। तेल क्योंकि हमने कम दिया था शुरू में, मसाला देखिए बिल्कुल पक गया है, तेल अलग हो चुके हैं। इधर कुकर की सीटी निकाल करके हमने चने और आलूओं को पानी सहित इसमें डाल दिया है मसालों में। अब इसे हमको चलाते रहना, थोड़ा पानी आप और ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। हमने 3 सीटी लगाई है प्रेशर कुक किया चने को और आलू को, आप अपने पानी के हिसाब से देख सकते हैं कि कितनी जल्दी आपके कुकर में गल जाती हैं। हाथ से दबा करके हमने चेक कर लिया था, देखिए मैं दिखा रही हूँ, हाँ इस तरह से कुछ आलू और चने को आपको मैश करके इसमें डाल देना है, ताकि ग्रेवी जो है थोड़ी गाढ़ी हो जाए। वैसे ये सब्ज़ी मैं नहीं बना रही हूँ, ये बना रही है मम्मी, मैंने आपको बताया ही था कि कुछ दिनों के लिए मैं मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ, तो ये मम्मी की रेसिपी है और बहुत ही लाजवाब बनी थी। और क्रश करके देखिए इसमें आप डाल सकते हैं मैश करके, जो आप ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल रोटी या चावल के साथ खाने के लिए एकदम आइडियल होती है। वेज जो खाते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और ढक करके अब धीरे धीरे हमको सब्जी को पका लेना है, ढक ढक करके पकाते रहिए। उसके बाद आपको जिस तरह से रखना है पानी वो आप ऐड कर सकते हैं। ये खड़े मसाले हमने निकाल दिया, देखिए जो बड़ा वाला वो था, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, क्या कहेंगे, इलायची, बड़ी इलायची, उसको हम हटा दिए हैं इसमें से अलग, बस टेस्ट उसमें आ जाए उसके बाद आप हटा लीजिए। ये है धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीफ, बिल्कुल फ्रेश है, कट करके ऊपर से डाल दीजिए, बस अब तैयार है सब्जी सर्व करने के लिए। इसके बाद हमने दोपहर का लंच किया, और भी मम्मी ने कुछ कुछ बनाया था, सारा तो मैंने शूट नहीं कर पाया है पापा के लिए। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमने क्या क्या किया वो भी मैं बताऊँगी शाम को, बर्थडे में हमने क्या क्या किया है। सब्जी देखिए इधर हो ही रहा है, आपको थोड़ा पेशेंस रख के पकाना होगा, अगर अच्छे से आप नहीं पानी को उबालते हैं डालने के बाद इस तरह से, तो स्वाद नहीं आएगा। ये हो चुका है, अब तब तक हम चलते हैं कहाँ, किचन में। मैं वापस आ गई, कहीं गई थी काम के लिए, बट लौट के वापस किचन को ही आना पड़ा। इधर बन गई है सब्जी, सर्व कर दिया है हमने, कैसा लगा ज़रूर बताइए। चने और आलू की बिल्कुल वेज, और मैं अपनी वीडियोस में लिंक ऐड कर दूंगी इंस्टाग्राम और फेसबुक की मेरी, नीचे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, जिससे कि आप मुझे और भी अच्छी तरह से जान पाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करिए। ये देखिए बर्थडे कार्ड तैयार है मेरी बेटी का, उसने बनाया है अपने नाना जी के लिए, आप लोगों को भी दिखा दे रही है, वाह बहुत ही खूबसूरत बनाया था उसने, और अपने दादू को रात में उसने गिफ्ट भी किया है। ये बिल्कुल हैंडमेड है, उसने बैठ करके घर में खुद ही बनाया है ये कार्ड। थैंक यू। ओहो देख रहे हैं बीच में बोलना ज़रूरी है। और आप सबको कैसा लगा बता सकते हैं, बस तैयार है अब दादू को देने के लिए। अब हम आपको मिलते हैं शाम को, इसके बाद लंच कर लें,
पापा को लंच हम सर्व करते हैं। ये रहा बिल्कुल बंगाली लंच बर्थडे बॉय के लिए, पापा के लिए। बंगाली रसगुल्ला, चावल, 5 तरह के भाजा हैं, सब्जी भी एक है, मम्मी ने बनाया था वो मैंने शूट नहीं किया, और था चने की सब्जी है, और साथ में है पायस जिसे कहते हैं खीर। और इधर मम्मी का चल रहा है फलाहार, क्योंकि मम्मी है फास्ट आज, बताया था मैंने आपको। साथ ही इधर पापा लंच ले रहे हैं। चलिए अब हम आपको मिलते हैं शाम को, बिल्कुल बर्थडे का केक वगैरह हम कट करेंगे उस टाइम पे। ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस एक केक कट करते हैं। जी बोल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Baba. Happy birthday to you. No. अरे माँ तो पास है। तुम खाओ ना। कोई ज़्यादा ही चीज़ है। खा रहे हैं। अरे ये तो एकदम चिल्ड है, बहुत चिल्ड है। अरे ठंडा तो मतलब ऊपर देखो। अच्छा उधर देखो, चल ले फोटो ले उधर पानी। चलो तुम लोग Thank you.